जहां एक तरफ मेकर्स ने अब अंकिता को पावर देकर अभिषेक का एलिमिनेशन कराया है, वहीं दूसरी तरफ अब वीकेंड का वार में सलमान खान इस बात का फैसला लेते नजर आएंगे कि क्या ये एलिमिनेशन वैलिड है या नहीं, यानी कि क्या वाकई में अब अभिषेक की वापसी नहीं होगी। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर सलमान खान ने थेरेपी रूम में जाकर उन सारी फुटेजेस को देखा है जहाँ पर अब ये लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सलमान खान ने अब इस बात का फैसला लिया है कि वो इन तीनों से अकेले में बात करेंगे। तो हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर आखिरी फैसला जो है वो सलमान खान का होने वाला है। सलमान खान ही इस बात को लेकर डिसीजन लेने वाले हैं कि उन्हें इन सारी चीज़ों को देखकर क्या लगता है, क्या वो या वाकई में मानते हैं कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की ही गलती थी, क्या वो मानते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए अभिषेक ही जिम्मेदार था। तो अब ये सारा फैसला सलमान के हाथों छोड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब सलमान खान जो फैसला लेंगे वो अभिषेक के पक्ष में होगा या नहीं? इससे पहले भी हमने देखा है कि जब शिव और अर्चना की लड़ाई हुई थी तब सलमान खान ने जो है अर्चना की वापसी करवाई थी और उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ पर शिव का इंटेंशन जो है वो साफ साफ अर्चना को इंस्टिगेट करने का था। यहाँ पर भी बात की जाए तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पर जो इंटेंशन नज़र आ रहा है वो भी समर्थ का यही है कि वो किसी भी तरीके से अब बाहर निकालना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान अब अभिषेक की वापसी करवाएंगे? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।